एक तरफ से कंधा झुक जाता है, दूसरी तरफ से भी टांगो। क्या लेने आई हो आप यहाँ पे? दो पैकेट ले लो ना। ये वाला मत दो, ये दूसरे वाला निकाल के दो। पिन लगा के दे रहे हो आप? अभी नहीं खानी, टाइम लगेगा इसको खाने में, है ना शोरा? लाओ मुझे दिखाओ, दिखाना हवा दिखाओ। नहीं 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 भैया, नहीं भाई नहीं, वो वाले पैकेट में, इस पैकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना ना ना, हाँ तो गाइज यहाँ पर इन्होंने किसके लिए लिए जी? लाओ बैग दे दो, बैग दे दो, बैग दे दो, बैग दे दो। अच्छा भाग 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 भाग, राम से राम से राम से, ऐसे चलती है ये। अब मान जा, ओ बापा अल्फिया, देख ये देखे। चलो 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 चलो, ला 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 करते हुए जा रही हैं ये। मनाज का है आज बर्थडे, चलो ऊपर चलो, अभी चेंज कर दूँगी। चल नन ना, अभी आना है मुझे वापस से। चीज़ें लेकर आई हैं बाज के लिए, हैप्पी बर्थडे। उसको बेसन भुजिया पसंद है ना, तो वो लेकर आई हैं। आफू दुकान से थुदी जाते। चल देखते हैं बाज क्या कर रही है। हैप्पी बर्थडे बाज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाज को यही पसंद है ना? यस हमें पसंद है। वाओ सही किया, सही किया, सही किया, बाज अच्छा रेडी हो रही। मैं पता है जल्दी जल्दी मैं ना सारा काम कर कर आई हूँ, सिर्फ अभी पोछा नहीं लगाया मैंने। मैंने कहा वो तैयार होकर निकल जाएगी, मुझे दिखाएगी नहीं। मैं हाँ अभी कैमरे के सामने नंगा होगा तू गंदू। अरे बेल्ट तो नहीं, मम्मा अभी वो तैयार नहीं हुई, अभी आएगी। तो गाइज यहाँ पर हमारी बर्थडे गर्ल जो है पूरी रेडी हो चुकी हैं। हैप्पी बर्थडे मैनाज। आप बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं जैसे कि एयर होस्टेस। हाँ हाँ बहुत ही बहुत ही, इधर खड़ी हो मैनाज। हाँ मम्मी को तो सारे वो पता है एंगल्स, बहुत प्यारी लग रही है, असिस्ट कर दी। और मैनाज ने ये ज़ारा की खरीदी है ना शर्ट और पैंट दोनों, तो वो टैग नहीं हटाएगी। नहीं मैंने टैग दिखाई है ना अब। ये वो है ना प्राइस पता चलना चाहिए, सेवा तुम बताती रहना पीछे से कि ये इतने की इतने की है, मैं होती तो बताती भी चलती। चलिए चलिए। तो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ पर, और मम्मी के यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि आज है मीनाज का बर्थडे। पिछले दो तीन दिन से मीनाज के बर्थडे के ही व्लॉग्स आ रहे हैं, उसको अच्छा लगता है उसका बर्थडे इस तरीके से होता है ना कि उसका वीक तक बर्थडे मनाया जाए, तो बस उसी के लिए हम लोग आए हुए। मम्मी ने बुलाया है कि चलो आज यहीं पे आ जाओ सुबह। पता नहीं मैंने सलाम करा या नहीं करा आप लोगों को, चलो मैं कर देती हूँ अगर नहीं करा है तो। चलिए जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ आज हम मीनाज कर रात को, अपने कल वाला ब्लॉग देख लिया था उसमें मीनाज की थी बर्थडे बिगनिंग सरप्राइज़ था। आज जो है आज 24 सितंबर है, और ये ब्लॉग कब तक जाएगा मुझे नहीं पता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी डालूँ इसको, एडिटिंग करूँ। तो अभी हम आए हुए हैं मम्मा के घर पर, मम्मा ने बनवाई थी हम लोगों के लिए मसाले वाली तहारी जो कि अभी हम खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए। और मीनाज अभी गई है थोड़ा सा बाहर, जब वो आएगी तो हम उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ करेंगे, उसका रूम डेकोरेट करेंगे और एक केक और लेकर आएंगे कटवाने के लिए। और जो गिफ्ट है ना वो मैंने मीनाज को पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम ले लो और मुझे बता देना, क्योंकि उसकी मकदार में हम थोड़ा सा कम रह जाते ना, मैं नहीं चाहती थी उसका वैसा कुछ हो। तो इसलिए मीनाज का कल या आज ऐसी वो कुछ बोल रही थी तो आएगा, ठीक है ना? तो मुझे दोबारा ताने मत मारना, ठीक है? और अभी आ जाएगी खालू की फैमिली, मम्मा खालू को भी बोला है ना? हाँ तो मम्मी ने आज सबको दोपहर से ही बुला रखा है क्योंकि भाई आज मीनाज पैदा होने वाली है। मम्मा कब हुई थी, रात में या दिन में? शाम को मगरिब पे। ओह
ओहो मिनाज मगरिब के वक्त हुई थी, तो मम्मा अच्छे से खा पी लो मिनाज आने वाली है। मिनाज आने वाली है ना, इसलिए तो बस अब हम खाना खा लेते हैं, नमाज पढ़ के हटी। अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा, अभी करूँगी। और शाम को हम कुछ ये था मिनाज का, तो ये था कि बाहर से कुछ मंगवाएंगे ये लोग, लेकिन अभी ना बाहर का किसी का भी मन नहीं कर, क्योंकि जो खालू की बेटी ना सबसे छोटी जिसने आईमा का कोर्स करा हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मम्मा उसको डेंगू हो गया था ना, प्लेटलेट्स कुछ कम हो रही थी उसकी, तो बहुत ज़्यादा कम, बहुत सारी कम थी। तो गाइस आप प्लीज़ उसके लिए दुआ कर देना। वो इतनी एक तो वैसी पतली दुबली सी, ऊपर से और भी ज़्यादा वीक हो गई, तो वो सब कुछ अवॉइड करिए। तो सबकी पसंद है पालक पनीर की सब्जी, मटर पनीर सबको मीठा लगता है और शाही पनीर भी, पालक पनीर सबका फेवरेट। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर, और पराठे या नान जो भी हो वो बाहर से आएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मिलते हैं आपसे जब डेकोरेशन करेंगे ना तब इंशाल्लाह। तो गाइस अब हो चुका है शाम का टाइम, और हम जाते हैं केक लेने के लिए। अभी बहुत से काम भी करने हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा चलो आपको अपडेट करती रहूँ। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था, अब फिर असर का टाइम हो गया है, तो हम नमाज़ पढ़ के निकल गए हैं। मैं और टिनी टिनी है मेरे साथ में, चलते हैं रॉयल बेकरी और फिर मैं वहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं रॉयल बेकरी, और हमने केक भी ले लिया है। केक की शक्ल दिखाऊँ, केक की शक्ल दिखाते हैं, तो ये रही केक की शक्ल। मैंने आपको चॉकलेट पसंद है, तो इसलिए हमने चॉकलेट लिया, हालांकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, आपको चॉकलेट पसंद, चॉकलेट पसंद है, चलो बच्चों की पसंद चॉकलेट रखो भैया, रखो चॉकलेट रखो केक, ठीक है। वैसे केक पसंद है नहीं मुझे इतना, मुझे भी नहीं पसंद है, मुझे फ्रूट केक से अच्छे लगते हैं, मुझे ब्रिटानिया का होता है ना बस वो वाला। दीदी आज गाइस यहाँ पर चल रही है ज़ोरों शोरों से तैयारी मिनाज के लिए डेकोरेशन की। अभी मिनाज है नहीं है, पूरा घर ऐसे तितर बितर हो गया, मिनाज को सरप्राइज़ देंगे। यहाँ सब लगे पड़े हैं, यहाँ सब लगे पड़े हैं, खालू ये गोल्ड ग्लॉब पैटर्न्स, ये अफो आपका काम है डबल टेप देने का, ठीक है। यहाँ पर तो चल रही है सरप्राइज़ सेलिब्रेशन की, ठीक है ना। ये बलून फ्लॉरी, और हम बना रहे हैं पालक पनीर, जिस काम में सब माहिर है। वैसे अगर डेकोरेशन अच्छी हुई ना गाइस, तो मैं किन्नू का नंबर इसमें डाल दूंगी, आपको जब डेकोरेशन करानी हो तो किन्नू को बुला लेना अच्छी हुई तो। वैसे ये बहुत अच्छी डेकोरेशन करती है, कल वाले भी उसमें देख लिया होगा अपने व्लॉग में, इन बच्चियों ने रात के 12 बजे वो सारी चीज़ें करी हैं। मेरा तो कुछ ऐसा सा सीन था कि मेरा और खालू का प्लान था, बट वो हो नहीं पाया, मेरा दूसरा सीन बन गया था, तो इस वजह से। और यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो रखी है, पालक पनीर बन रहा है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम सब खालू के फैमिली की दावत है, मेरी फैमिली की दावत है, और हम ज़ेबा को बुलाया है, तो ऐसे ही बस घर में छोटा मोटा सा ही कर रहे हैं, उसको अच्छा लगता है ये सब करना ना, मिनाज को बहुत पसंद है। तो बस हमारे घर का छोटा बच्चा वही रह गया है, वैसे तो मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन बस वो उसी के लिए करते हैं हम लोग जो करते हैं ना, सभी के लिए होता है थोड़ा थोड़ा सा। चलो मैं पनीर काट लूँ जल्दी से। गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन के गैस की हालत, कि हमारा पालक पनीर बनके रेडी है, ये देखिए गजब सा पालक पनीर है। अब बाकी जब सब लोग खाएंगे तो बताएंगे कि कैसा लगा कैसा नहीं, अपनी जानिब से तो मैंने बहुत ही बेहतरीन करके बनाया है, अब वो खाने वाले बताएंगे बेहतरीन है या नहीं है। इसके ऊपर अभी और ऑयल जो है ना वो सारा अभी ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रेडी शेडी होते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं एक चीज़, ये मेरी खाला हैं और इन्होंने मिनाज के वेलकम के लिए तैयारी करी है। भाई साहब, भाई साहब क्या ही बताऊं, बड़े ज़ोरों शोरों से इस बार मिनाज के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और डेकोरेशन अभी दिखा नहीं सकती हूँ, अभी सारा कुछ ऐसे मैसी पड़ा है, अभी पूरा क्लीन हो जाएगा फिर दिखाएंगे। और मम्मी यहाँ तैयार हो रही हैं, है मम्मा तैयार हो रहे हो, हाँ तैयार हो जाओ अच्छे से, बड़े लहंगा निकालो या गरारा या फिर साड़ी ही चलेगी, गरारा मम्मा साड़ी पहनो ना, साड़ी 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 नहीं, अनकंफर्टेबल होते हो, डांस नहीं हो पाता, अच्छा ठीक है गरारा पहनेंगे आप, पहना है कभी गरारा, पहना है गरारा, अच्छा कब, अच्छा हाँ 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 आप ही का था, तो इसे बंद कर दीजिए जब आप ये
गाइज मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी सिलाई करती थी, और जो वो वाला गाना है ना असा हुन टुर जा जाए, वो जो गरारा था ना ऐसे ही मेरी मम्मा ने अपनी शादी पे बनाया था। मम्मा आपका भी होगा ना गरारा शादी का, लगता है ना किसी दिन दिखाएंगे आपको मम्मी की शादी का गरारा। मम्मी हो गई हैं तैयार, हमने मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी तो मम्मी का मेकअप कर दिया उन्होंने, है मम्मा ठीक है। मम्मा सबको बड़ा अच्छा लगता है कि अभी आप अपनी मम्मी से जो कॉन्वर्सेशन करती हो ना वो करा करो बताया करो, तो मैं मम्मी से ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या सभी मम्मी के साथ ऐसे, अभी मिनाज आएगी ना वो भी यही बोलेगी कुछ करा के नहीं करा हम लोग, क्योंकि वो ऐसी है नहीं तो इसलिए हम उन्हें बोलते रहते। होती तो फिर हमें बोलने की जरूरत है कि कपड़े तक तो वो चेंज कर नहीं रही हैं, नहीं कम्फर्टेबल है उनके लिए सुकून है। माशाल्लाह घर बड़ा प्यारा लग रहा है हमारा, बच्चे लगे पड़े हैं। मेरे भी चिड़को को पिचको को लगे पड़े हैं यहाँ पर। इन्हों पानी हमें भी पिला दो। हाँ अच्छा, आ रही हूँ खालू जी, आ रही हूँ। अच्छा, लो जी गर्मी में पता है लगे पड़े हैं। आए हाय, आज मैंने बड़ी खुशी, वो रूम स्प्रे, रूम फ्रेशनेस ऐसे स्प्रे जो जिस वाइट होता है ना वो लेकर फोन पे। गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, मैं तो हो गई हूँ। मेरे आप देखेंगे गजरा कहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। तो खालू ने लगाया हमें गजरा और हम हो गए हैं रेडी। सुबह से हम रेडी हैं, वैसे तो कितनी बार हम रेडी हो चुके हैं, और अब हमारा घर भी पूरा सज चुका है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ पूरे घर का आपको डेकोरेशन, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हमारे जो एंट्री है, ओ गाइज रुक जाओ, मैंने आज इट्स यू, रुक जाओ। अरे तुम क्या टिड्डी कर रही हो, दोहरा रही है हाँ पता है। ब्लूटूथ तो ऑन करो, गाना कहाँ चला गया, हैप्पी बर्थडे वाला, ये छोटा वाला तो नहीं था ना, करो ना किसी को, के हाथ पे फोन है ना। एक मिनट, कर दिया ऑन कर दिया, आ गया किन्नु, इसको भी आप ही सेट करो। तो जी गाइज यहाँ पर आ जाते हैं हमारी बर्थडे गर्ल प्यारी सी और उनकी बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर ज़ेबा और मिनाज आ चुकी हैं अपनी आउटिंग करके, और पूरा रूम जो है सज चुका है, पूरा घर सज चुका है, सबने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। अच्छा इस वीडियो को ना ये बहुत लंबा हो गया, तो आप लोग बार बार बोल रहे हो कि अभी आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो गाइज इस वीडियो को मैं करूँगी विद सेकेंड पार्ट भी। तो ये वीडियो अभी का तो जो होगा ये थोड़ा ही होगा, आगे का जो केक सेरेमनी वगैरह जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर सब जने बड़े खुश हैं, और स्प्रे वगैरह भी मंगवाया था खाला जी ने, और जो जो मतलब मिनाज के सारे अरमान जो थे ना वो इस बर्थडे पे अच्छे तरीके से निकले थे। और जैसे वो कहती ना हमेशा कि अभी हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बर्थडे वीक मनाया जाए, तो उसका बर्थडे वीक ही चल रहा है पूरा। अच्छा खासा वो कर दिया है मैंने के हर टाइम। तो यहाँ पर मिनाज सबको थैंक यू बोल रही है, गले लगा लगा के शुक्रिया अदा कर रही है कि सबने इतना अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करा है, इतना अच्छे से रूम डेकोरेशन करिए है। तो बस यहाँ पर मिनाज बहुत हैप्पी है, बहुत बहुत हैप्पी है, और खाला ने उसके लिए प्रिंसेस भी लिखा है, थोड़ा ही लिख पाई थी, इतने में मिनाज आ गई थी तो इस वजह से। और अभी कुछ गेस्ट आएंगे भी, तो वो भी एक सरप्राइज ही था, बड़ा मज़े का, बहुत ही मज़ेदार सा मिनाज का बर्थडे था, मज़ा आया बहुत बहुत, इन्जॉय कर हम सब ने।
अंदर से हाय थोड़ा सा शूट कर।